नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रिकॉर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एंड्रॉयड की एक बहुत बड़ी ट्रिक के बारे में, जिसमें कि आप जो है किसी भी म्यूजिक का जो है टैग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि आप जिस भी म्यूजिक में चाहो तो अपना फ़ोटो डाल सकते हो या फिर उसमें अपना नाम डाल सकते हो, टाइटल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। यही सब करने के लिए कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 साल या फिर कुछ दिन पहले आपको जो है पीसी में बस ये ऑप्शन मिलता था। मतलब म्यूजिक टैग को ऐसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, तो आपको ये पीसी में एडिट करने को मिलता था विंडोज़ में। बट अब जो है ये मोबाइल में फीचर आ चुका है। तो अगर आप उस सॉन्ग को किसी को सेंड करते हो एडिट करके अपना फ़ोटो वीडियो लगा के, तो वो सॉन्ग जो है दूसरे में भी यही आपका फ़ोटो रहेगा। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब मारो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी आपको म्यूजिक में जो अपना फ़ोटो डालने के लिए, अपना नाम डालने के लिए परमानेंटली। तो जैसे ये म्यूजिक टैग क्रिएटर था इस ऐप का नाम, वैसे चिंता मत करो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एज ऑलवेज़। तो चलिए देखते हैं कैसे एडिट करना है। जैसे मेरे पास बहुत सारा सॉन्ग है जिसमें कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं है लगा हुआ। तो नॉर्मली मैंने इस ऐप को बस ओपन किया टैग क्रिएटर को, उसके बाद ये एक सॉन्ग है क्रिमिनल, तो मुझे इसमें जो अपना फ़ोटो सेट करना है। तो यहाँ पे सेट पिक्चर आपको मिलता है यहाँ पे, तो नॉर्मली उस पर क्लिक करना है और आपका गैलरी खुल जाएगा। तो अब गैलरी में आप जो है किसी भी फ़ोटोज़ को सेट कर लें। जैसे मैंने बस एक ऐसे सेट कर दिया था, तो भी मैं एक अपना प्रॉपर सेट करता हूँ एक फ़ोटो, और ये देख सकते हैं ये जो है सेट हो चुका है। ये सेट नहीं हुआ बट आ चुका है यहाँ पे। तो और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो टाइटल, आर्टिस्ट वगैरह सब कुछ आपको चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो है अपना नाम वगैरह डाल सकते हो, ईयर को चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे है। और यहाँ पे जैसे आप कॉर्नर में देखोगे सेव लिखा हुआ है, आप जब सेव पे क्लिक करते हो तो आपका ये म्यूजिक जो है वो सेव हो जाता है। उसके बाद वैसे तो अभी मैं इस टैग क्रिएटर म्यूजिक में हूँ, बट अगर जो आप जैसे अपना जो प्राइमरी म्यूजिक है, आई मीन कोई दूसरा वगैरह ऐप है, तो आप वहाँ पे जब इस सॉन्ग को सर्च करके प्ले करोगे तो आपका फ़ोटो जो था वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है कि बिना किसी पीसी कंप्यूटर के आप जो ये काम कर पा रहे हैं अपने फ़ोन में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फीचर है। यहाँ पे नाम भी मेरा देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम भी शो कर रहा है और फ़ोटो वगैरह है। तो इस तरह से इस ऐप का जो है मजा ले सकते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। वैसे अगर जो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक तो बनता है, और अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब मारो और घंटा दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।